वेलकम टू प्योर कुकिंग इस वीडियो में मैं हैदराबादी पत्थर का गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये पुराने वक्तों की रेसिपी है और आज भी स्ट्रीट्स पर यह बहुत ही मशहूर पॉपुलर डिश है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने 500 ग्राम मटन लिया है और बिल्कुल थिनली स्लाइस किया और छोटे छोटे पीसेस क्योंकि इसको हमने सिर्फ तवे पर पकाना है पत्थर तो हमारे घरों में नहीं होता तो देखिए इसके लिए मैंने 500 ग्राम तो मटन लिया है बोनलेस लेना है इसके साथ में वन एंड हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट कॉटर वन थर्ड टी स्पून हल्दी पाउडर नमक टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दें थोड़ा ऐड करें क्योंकि ये ड्राई रेसिपी है और टू टी स्पून रेड चिली पाउडर क्योंकि हमें इसको छटपटा बनाना है मसालों को मिक्स कर देंगे साथ में डालेंगे नींबू का रस जिससे ये थोड़ा सा टेंडर हो जाएगा ये मसाला हम फर्स्ट मैरिनेशन के लिए कर रहे हैं इसका सेकेंड मैरिनेशन भी हम रेडी करेंगे तो ये कुकर वगैरह में नहीं बनता है तवे पर बनता है तो इसके लिए हम बाकी के मसाले ले लेंगे तो देखिए पाँच छः पत्थर के फूल लेने हैं हाफ टी स्पून कबाब चीनी है हाफ टी स्पून ड्राई रोस्ट पेटल्स है क्वार्टर टी स्पून हैदराबादी गरम मसाला है और वन टी स्पून भुने हुए जीरे का पाउडर इन सब को हमें मिक्स करके एक मिक्सर में पाउडर बना लेना है तो देखिए ये पाउडर रेडी हो गया है इसमें से हमें सिर्फ टू टीस्पून इसमें ऐड करना है और बाकी का आप सेव करके रख दें जितना हमने पाउडर बनाया है उतना नहीं ऐड करना है अब देखिए साथ में हम इसमें ऐड करेंगे वन टीस्पून जिंजर गार्लिक सॉरी ग्रीन चिल्ली का पेस्ट और वन टीस्पून स्पून रो पपाया पेस्ट रॉ पपाया पेस्ट ज़रूरी है क्योंकि जो मटन है वो सिर्फ तवे पर पकेगा या फिर पत्थर पर तो इसलिए रॉ पपाया पेस्ट ज़रूरी है और टू टी स्पून में इसमें घी ऐड कर रही हूँ घी और घी ऐड करने से ये जो गोश्त है अच्छे से इसमें मॉइस्चर आ जाएगा जूसी बनेगा हमारा मटन और ये सब मसालों को मिक्स करके अच्छे से रख दें और जो मसाला बचे अगर आप गोश्त वगैरह फ्राई करें तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी या फिर आप नेक्स्ट टाइम के लिए उठा के रख लें अब हमें इसको मैरिनेट करके कम से कम एक घंटे के लिए रखना है क्योंकि मटन को टेंडर होने में टाइम लगता है तो रॉ पपाया पेस्ट ज़रूर ऐड करें अगर आपके पास में रॉ पपाया पेस्ट नहीं है तो आप मीट मीट टेंडराइज़र मिलता है सुपरमार्केट में वो यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से यूज़ करें अब देखिए एक घंटा खरीबन हो गया है अब हम इसको फ्राई करेंगे आप देख सकते हैं मैंने पीसेस बिल्कुल छोटे रखे हैं ताकि ये फ्राई हो तो मेरे पास में ये कास्ट आयरन का पैन है जो काफ़ी हैवी बेस का है अगर आप आपके घर में जो भी तवा बहुत मोटे बेस का हो आप वो यूज़ करें क्योंकि ये जलता है मसाला क्योंकि इसमें पानी नहीं डालेंगे हम इस्टो की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे लो टू मीडियम रख के और थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है सरफेस पे ताकि ये नीचे से लगे नहीं आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पर घी डालने से इसका टेस्ट और अच्छा आएगा तो देखिए ये टेक्निक ये है कि आपने इसको हर दो मिनट में पलटा देना है क्योंकि इसमें रॉ पपाया पेस्ट और ये मटन है तो बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाता है इसको सिर्फ मैरिनेशन के लिए टाइम लगेगा बाद में इसमें टाइम नहीं लगेगा तो देखिए दो मिनट हो गए हैं तो मैं इसको पलटा लूँगी आपने दो हर दो मिनट में इसको फ्लिप करना है और जैसे मैंने कहा पाँच छः मिनट में ही यह मटन फ्राई हो जाएगा क्रिस्पी हो जाएगा तो देख सकते हैं पकना शुरू हो गया है मटन अब हम इसको फ्लिप करते जाएंगे और मेरे पैन में सारा गोश्त एक ही टाइम पे आ गया है अगर आपके पास में नहीं आए तो आप पैचेस में फ्राई करें इससे पहले मैंने मटन पत्थर का गोश्त पहले भी शेयर किया है उसमें हरी मिर्ची ऐड की है आप चाहें तो सिर्फ़ हरी मिर्ची से बना सकते हैं मैं लिंक शेयर कर दूंगी देखिए पाँच मिनट के लिए मैंने इसे इसी तरीके से पका लिया है अब ये नीचे से क्रिस्पी हो गया है उसका कलर भी अच्छे से चेंज हो गया है गोश्त का तो बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो जाता है पाँच से छः मिनट में जैसे मैंने कहा क्योंकि रॉ पपाया पेस्ट लगाया है हमने अभी अच्छे से क्रिस्पी हो गया है तो इसको निकाल के सर्व कर देंगे देखिए कितना क्रिस्पी हो गया है ये तो अगर आप इसको रोटी नान या फिर तले हुए गोश्त की तरह सर्व कर सकते हैं तो तैयार है टेस्टी पत्थर का गोश्त देख सकते हैं आप कितना मज़ेदार बना है रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अप्यू कुकिंग चैनल को ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग